हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग विद उत्सव चैनल में। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक अति अति शुभकामनाएं। आज हमारे बाल कृष्ण का, ठाकुर जी का बहुत ही बढ़िया, आज उनका प्रागट्य दिवस है, तो आज हम लोग जन्माष्टमी भी मनाएंगे और अपने किचन गार्डन का हम आपको टूर भी देंगे, अपने गार्डन का टूर देंगे। इस समय हमारे किचन गार्डन में क्या चल रहा है, आगे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसे ही पसंद करते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ ताकि आपके लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इस तरफ पर आते हैं तो हमारे ये कुछ पोर्चुलाकास लगे हुए हैं, जितने भी गेंदे हैं इनकी थोड़ी सी भी हालत, इसमें हमको स्टेकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी अभी हमारी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, गुड़हल लगभग रोज़ दो तीन तो खिलते ही हैं। टमाटर के प्लांट्स हैं, वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बस अब हम इनको, इसमें हमको क्या करना है, इसमें फर्टिलाइज़र देना, लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना नहीं पा रहे थे, आज बनाएंगे फिर हम लोग इसमें देंगे। तो ये हमारे टोमेटोज़ का अपडेट है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस तरफ में आंवला है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये मीठी नहीं है, ये तो बिल्कुल हरी, जितना यूज़ नहीं उतनी ज़्यादा तो ग्रो हो रही है। रोज़ेज़ है, रेड रोज़ेज़ बहुत अच्छे खिल रहे हैं, रोज़ ही खिलते हैं ये वाले, और जो देसी हमारा उस तरफ लगा वो भी अच्छे से खिल रहा है। थोड़ा सा इस तरफ के जो टमाटर हैं इनमें लीव कर्ल बोल सकते हैं हम, या फिर धूप की कमी कह सकते हैं, तो वो है, उनका भी हम लोग इलाज करेंगे। इस तरफ के जो टमाटर हैं सभी बहुत स्वस्थ है, बस एक आध में हमको शायद से ये लीव कर्ल दिख रहा है, तो इनको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। इन प्लांट्स को ही आप निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और अभी तो बहुत सीड सोइंग हमको करना है, आगे हम लोग टोमेटोज़ की अभी कुछ प्लांट्स हम लोग और सीड सोइंग करेंगे, जो कि हमारे कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इस तरफ पर अभी देखिए, हमारे किचन गार्डन में ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा है, ज़्यादा अभी हम थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप एक ये शमी का प्लांट देखेंगे जिसकी हमने कटिंग करी थी, इसको इधर से अगर कटिंग और कर देना इतना बढ़िया ग्रो हो जाएगा, पूरा अब ये प्लांट झाड़ का रूप लेगा, तो ये अब बहुत अच्छे से हमारा प्लांट का रूप लेगा, ग्रो करेगा। और इस तरफ पे जितने भी कंटेनर्स हैं, बस अब हम लोग 15 दिन बाद लगभग इसमें सब भाजियाँ उगाना ग्रो कर देंगे, शुरू कर देंगे, भाजियाँ ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्या है, मिट्टी कुछ सूख भी जाती है थोड़ा सा बारिश की कमी की वजह से, और ये हमारा अपराजिता फिर से खिलने लगा है, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल एक साल के बाद पूरा खिल रहा है। इस तरफ भी बहुत जल्दी आएंगे बीज। तो क्या है, अभी थोड़ा सा खाद की कमी हो सकती है हमारे प्लांट्स में, थोड़ा सा खाद की कमी हो सकती है, बाकी सब तो अभी सब सही है, तो अभी हमको खाद देना है। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग एक हफ्ते बाद में देंगे, तो उससे जो हमारे प्लांट्स में जो कमी है वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा प्लांट ग्रो करता है। अभी जितनी आपको ये पत्तियाँ किसी के प्लांट्स की डल दिख रही हैं या किसी की पत्तियाँ आपको डी शेप्ड दिख रही हैं, ये सभी बहुत अच्छे से अब हो जाएंगे, और ये ग्रो बैग्स भी प्रिपेयर करके अब हम इसमें भाजियाँ लगाएंगे। बस इस संडे को हम लोग ये सब काम करेंगे, आज तो जन्माष्टमी है तो ज़्यादा हमको टाइम रहता नहीं है बाकी, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है। जिसपे भी दो या तीन प्लांट लगे हुए हैं तो एक प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, दूसरे प्लांट की कम है, तो ये सब चीज़ों से अभी हम लोग निजात पाने के लिए खाद वगैरह बनाएंगे और उसका भी हम आपको वीडियो देंगे। तो बस ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे सभी को।